एंड ये जो देख रहे हो ना इधर पे कोच है रेल का हमारा, एंड उस डिब्बे के अंदर बनाया गया जैसे सेम नागपुर में भी हल्दीराम का ऑफिशियल। इंग्लिश में फिर क्या बोले डोसा कैसा था? यमी था। एंड इधर पे भाई दो स्प्राइट आ गई। एंड हियर वी हैव द फाउंडर ऑफ उनको बुलाते हैं एंड उनको भी ले लेंगे। बाकी भाई बहुत जम के भूख लगी है, कुछ खाया नहीं था सुबह से। एंड हियर वी हैव द फाउंडर ऑफ फिर से बोले क्या बोले थे इवेंट के ओके फिर से बोला एक बार इवेंट के ये वो है अरे तो बताओ ना फाउंडर ओके सो समझ गया। एंड फाइनली भाई डोसा तो आ गया, बाकी लोग वेट करेंगे अभी। ओके सो इधर पे अभी डोसा था एंड अभी ट्राई किया। डोसा कैसा था? यमी था। एंड इधर पे भाई दो स्प्राइट आ गया, ठीक है अभी ट्राई करता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ अभी धीरे धीरे स्लो बोलूँगी, बहुत सारे जाना है। ओके सो देख रहे हो शानदार चीज़ सजा। इंग्लिश में फिर क्या बोले हाँ अभी ये खत्म किया है, कभी नहीं खाना भाई ठीक है, बहुत अजीब सा है। एंड ये क्या मंगाया था? नहीं बहुत अच्छा था। नहीं मैं उधर नहीं रिकॉर्ड किया, इधर रिकॉर्ड किया, नहीं यहाँ देखा मैंने। हाँ खा रहे ना? बाकी ये क्या था? अफगानी पनीर तंदूरी। सो अब ये मंगवाया था, तंदूरी था। हाँ बड़ा अजीब सा था, जो हम घर में मलाई नहीं शुकड़ा के खाते ना उसे एकदम मिल्की मिली। हाँ तो ये कभी नहीं खाना है, डोसा भी ट्राई नहीं करना है, क्योंकि डोसा तो ठीक था बाकी क्वालिटी कम थी। एंड ये दोनों चीज का भाई जो टेस्ट खाना बहुत बेकार था। तो भाई साहब खाना वगैरह हो गया है एंड भाई साहब टेस्ट की बात करी जाए तो भाई गलती से भी मत आ जाना ठीक है। सो ऐसा कुछ है एंड देख सकते हो गजब एकदम बढ़िया, हर चीज इसी के लिए चिल्लाती है मेरे को बहुत जम के, उसके कपड़े खराब कर देता भाई साहब। गलती से भी नहीं आ जाना, बस इधर का डेकोरेशन ही बस थोड़ा जो अच्छा करके रखा है, वो खाना वगैरह कुछ अच्छा है नहीं भाई, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया यार, मतलब बहुत ही अजीब सा था, इससे अच्छा ज्यादा एक्सपेंसिव ही था एंड उतना वो भी नहीं था वर्थ इट है ना। तो बस भूख लगी तो खा लो, तो खाने लायक भी नहीं था। बाकी पिज्जा मंगवाया था, दो चीज़ और थी इधर नाम डाल देता हूँ वो, और भाई डोसा मंगवाया था, अजीब सा था भाई, मजा नहीं आया। बाकी देखने के लिए अच्छा है, 24/7 खुला हुआ है, रात को बज रहा है 1। सो उधर से निकलते हैं सीधे घर, देख सकते हो टेस्ट ऑफ इंडिया, बट मजा सा नहीं आया यार, बाकी ठीक है। एंड ये जो देख रहे हो ना इधर पे कोच है रेल का हमारा, एंड उस डिब्बे के अंदर बनाया गया जैसे सेम नागपुर में भी हल्दीराम का ऑफिशियल, उसमें ऐसा कुछ था समझ रहे हो। एंड बैटरी बची अबाउट 5%, सुबह से शूट चल रहा है। सो इट्स माई नॉर्मल शॉर्ट ब्लॉग, सो आई होप को वीडियो पसंद आ रही हो। बाकी रेलवे स्टेशन है हमारा मदन महल का, जैसे देख सकते हो एड्रेस के जस्ट पीछे साइड है। 1 बज रहे हैं रात के, बट फिर भी चहल पहल बहुत शानदार है यार, देख रहे हो पुलिस वाले भी आ गए। एंड हियर वी हैव यानिया तन्वी एंड यहाँ तन्वा टीटी, प्रसून भैया हैं एंड दोनों सिस्टर्स हैं एंड वो समीर भैया, एंड इधर आपका भाई होस्ट एंड दोस्त उदित। सो अभी कुछ फिर ऑर्डर कर दिया है, जेब में मेरा डबल साइडेड टेप है, आज गरबा था तो शूट करते करते 2-3 दिन को लगाना पड़ा। 24/7 रेल कोच रेस्टोरेंट इसका नाम भी है, एंड हियर वी हैव लोगो 24/7। एंड भाई साहब सबको बाय करते हैं एंड अब जा रहे हैं, एक कार वो है एंड भैया के साथ जा रहा हूँ मैं, हमारे साथ प्रसून भी है, चलो ये चले गए भैया एक कार। एंड अच्छी जगह थी बाकी, सो भाई साहब ठीक ठाक सी जगह थी, बाकी आना है तो भाई एक बार ट्राई कर सकते हो देखने के लिए, बाकी अच्छा अपना टेस्ट नहीं था यार खाने का, मतलब अगर आओगे तो भाई टाइम वेस्ट है, साथ साथ क्या भाई पैसा वेस्ट, अगर आना हो तो आ सकते हो, बाकी पीछे है।
आई होप को वीडियो पसंद आएगी, छोटा सा ब्लॉग। तो अगर पसंद आई है तो गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भी ब्लॉग्स देखने तो भाई कमेंट करके बताओ, मैं ऐसे लेके आएंगे अच्छे अच्छे फेका। चलो जी बाय बाय, फिर मिलता है।